करना ना भूलें एक सवाल और रविवार शाम 6 बजे। ओए स्टार बन गयो मारो यार, ओए देखो ए, ओए स्टार बन गयो मारो यार, नंगो घूम तो नंगो, इन्हें स्टार बनायो मैं, घुमेड़ो बैठो है टेलीविजन में, और मैं किस पिज्जे से गांव के फुद्दू से ठेके में बैठकर थारे जैसे गधड़ों के साथ दारू पी रहा हूँ। स्टार बना दियो। पीके, कोई भैरव सिंह है तुम्हारे लिए। भैरव? टेक दैट लाइन भाया। अरे ठरकी चोकरो, तू तो स्टार बन गयो यार। भाया तुम कहाँ हो भाया? अभी मैं मंडावा में हूँ, कल आ रहा हूँ तारे शहर में, तारे वास्ते एक तोहफा भी लेके आ रहा हूँ। जिसने थारो सामान चुरायो वो चोर मारे कब्जे में है। उसने थारो सामान 40,000 रुपए में बेचियो। पूछ किन्ने? किन्ने? तपस्वी जी को। प्रभु ने कहा ये शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मनका है, इसे ले जा, इसे ले जा और ले जा के भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर, क्योंकि इसके दर्शन मात्र। हेलो, क्या हुआ? जॉन हमारा रिमोटवा चुराया था, वो चोर पकड़ा गया। व्हाट रियली? भाया बोला कि चोर ने रिमोटवा तपस्वी जी को बेचा। फिर तो तपस्वी का गेम ओवर। चोर को उसके घर ले चलते हैं, बोलेंगे मोटे तेरे पास 60 सेकंड है, रिमोट वापस कर, नहीं तो चोर को टीवी पे ले जाएंगे। तपस्वी को हमारा रिमोटवा हिमालय पे नहीं मिला था। मतबल तपस्वी जी झूठ बोल रहा है। मतबल रॉन्ग नंबर डुप्लीकेट भगवान नहीं तपस्वी जी फैला रहा है। ये बात तुमको मालूम थी जग्गू? पीके याद है जब तुमने पहली बार रॉन्ग नंबर्स की बात की थी? तपस्वी जी भगवान को जॉन टेलीफोन लगाता है वो सब काल रॉन्ग नंबर बजा रहा है। मैं उसी वक्त जानती थी कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं मिटाया, क्योंकि अगर तुम तपस्वी को फ्रॉड बोलते ना तो लोग त्रिशूल घुसा देते। पीके लोगों को हमेशा कोई नई बात चाहिए। रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। और तुम्हारी रॉन्ग नंबर वाली बात उन्हें बहुत यूनिक लगी, आज वो सब तुम्हारे साथ खड़े। ये रॉन्ग नंबर है पीके, माय प्लान वर्क, समझे? तुम्हारा रिमोट मिल गया। अब यार तुम कल चले जाओगे यार। कौन? कभी नहीं मिलोगे, बहुत खाली खाली लगेगा यार। आई रियली रियली मिस यू। रुक जाएगा? ऐसे कैसे रुक जाओगे? हम सीरियस हो? नौकरिया है, राशन कार्ड बनवा लेगा, सेटल हो जाएगा यहाँ। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, जॉन हमारे साथ टाइम भी करना चाहेगी। नहीं शादी ब्याह कर लेगा वो के साथ, और का? तुमसे कौन शादी करेगा? का है? तुम्हें इंट्रोड्यूस करने में वाइफ की हालत हो जाएगी। हा? जी मेरे पति से मिलिए, ये पीगे हैं। अरे वो हमारा नाम नहीं है, तू सब हमको ऐसे ही बोलता है, नॉनसेंस। पीगे? हम अपना नाम बदल देगा। तुम कौनो नामों का सजेशन मारो ना जॉन, तुमको अच्छा लगे। देखो नाम और आदमी की जो पर्सनालिटी है बड़ा मैच होनी चाहिए। ही ठीक है, तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है? मैं डेमो देती हूँ। काका हाथरसी ने कहा था नाम रूप के भेद पर। अरे हमका पोएट्री ना चाहिए, हम कुछ और समझा रहा है। नाम रूप के भेद पर किया कभी है गौर? कैसे समझाए? नाम मिला कुछ और, शक्ल अगलो कुछ और, अग्नि लाल जी बिल्कुल ठंडे, शांति भैया चलाए डंडे, पूछ न पीछे कुछ भी,
नाम फिर भी हनुमान, अर्जुन लाल के घर मिले ना तीर कमान, और फूलचंद जी इतने भारी दर्शन देते टूट जाए कुर्सी बेचारी। बहुत अच्छा। ये हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, जेमा अलग अलग नाम है, तुम कौनो नाम का चॉइस मारो, अंदर देखो कौन सा अच्छा है। तंडू राम ठट्टे सत्यराज। दूसरा तुटारी सिंह सरफराज। कहो अंदर देखो ना और अच्छा नाम। कहो जग्गू। कुछ नहीं। आतंकवादी संस्था ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, हमारी कौम पर हमला करने वालों का यही हाल होगा, हम अपने खुदा की रक्षा करेंगे। कहाँ जा रहे हो बीके? सो पे। रहने दो, जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी।
सवाल और। आप सबका स्वागत है इस बहुत ही खास शो पे जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे। एक मिनट रुकिए। लाइए। ये क्या है? भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मन का, ये कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। भगवान कहते हैं मंदिर बनाओ, और ये कहते हैं मंदिर हटाओ। अब हम किसकी सुने, भगवान की या इनकी, जब पीला हेलमेट पहन के ये पर्चे बांट रहे थे। देखिए, पहले कहा भगवान लापता है, उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है, कल को यह भी कह सकते हैं भगवान मर गए। बेटा तुम चाहते क्या हो, एक ऐसी दुनिया जहां भगवान हो ही ना? तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का? खाने के लिए रोटी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, बात करने के लिए दोस्त नहीं है लोगों के पास, रोजाना कितने लोग आत्महत्या करते हैं मालूम है तुम्हें? नसें काट लेते हैं, पंखे से लटक कर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। अगर भगवान के सामने माथा टेकने से, एक टीका लगाने से, हाथ में एक धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाले? और अगर तुम लोगों से उनका भगवान छीन ही लेना चाहते हो, तो यह बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे? नहीं, हमेशा ये बोलते रहते हैं ना, रॉन्ग नंबर। तो आज हम सबको बताइए यहां पर कि राइट नंबर क्या है। आप बिल्कुल ठीक बोलता है तपस्वी जी। एक टाइम था जब हमारे पास भी खाए के लिए रोटी नहीं थी, रह खातिर घर नहीं था, बहुत ही रोता था क्योंकि कौनो दोस्त भी नहीं था ना। वो वक्त हमारा एक ही सहारा था, भगवान। रोज लगता था कल बेहतर होगा, भगवान कौनो रास्ता निकालेगा। हम मानता हूं कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है, तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन हमारा एक तो सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते नहीं, दो ही भगवान है। एक जोन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जोन हम सबको बनाया उसके बारे में आप कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है, जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का, तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का, छोटा सा शहर का, छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जौनी सारा जहान बनाया, उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। आज कौन अपना खुदा का रक्षा करने की कोशिश किया,
और हमारा दोस्त चला गया, बस ये रह गवा है उसका जूता। अपने भगवान की रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोला पे इंसान नहीं सिर्फ जूता रह जाएगा। एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहां बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। अच्छा, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है, और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरयानमा ठोक दिया और अलग कर दिया सरफराज से। रॉन्ग नंबर कौन सा रॉन्ग नंबर? कि सरफराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया, इसमें झूठ क्या है? एक मिनट। नहीं नहीं एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट देखिए, एक मिनट आप रुकिए। तुम ये कहना चाहते हो कि सरफराज को लेकर जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो झूठी थी? हाँ यही तो कह रहा हूं। तो साबित करो, साबित करो कि मेरी भविष्यवाणी झूठी थी, और ना साबित कर पाए तो मेरे चरणों में गिरकर यहां माफी मांगो और सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने मुझ पर झूठा लांछन लगाया है। और साबित कर दिया तो? पीके नहीं, तो बेटा ये तुम्हारा। शर्त मंजूर है। जरा ये कैमरे जो हैं वो जगत जननी की तरफ घुमाइए। जगत जननी, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सारे सवालों का जवाब सच सच देंगी। बेल्जियम में आपको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था, सच या झूठ? यहां मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस हुई जा रही है? शुक्रवार को 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का आपको धोखा देगा, और अगले दिन आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई थी, लेकिन ये लड़का नहीं आया था, सच या झूठ? हाँ वो नहीं आया था। कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? आप हमारे चरणों में आएंगे या हम अपने चरण लेकर आपके पास आ जाएं? सर पर हाथ धोखा नहीं दिया था। पीके जाने दो प्लीज। नहीं सबका बताओ कि वो दिन क्या हुआ था। के प्लीज, बस एक बार हमारी खातिर। मैं मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और चिट्ठी आई। सर भराज लेकर आया था? नहीं, एक बच्चे के हाथ भेजी थी। कौनो नाम लिखा था? नहीं। फिर तुमका कैसे पता कि वो सरफराज की चिट्ठी है? हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए हो, वहां कौन और लड़की नहीं थी का? एक थी ना, जेकर पास बिल्ली थी और वो तुमका बिल्ली थमाए दी थी पकड़े खातिर। बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था तुमका पहचानता था? तुम उनका पहचानता था? नहीं। फिर उनका कैसे पता कि चिट्ठी तुमको देना है? हो सकता है उनका बोला गया कि जेकर पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना। वो तुमको लेटर दिया, तुम पढ़ा, बाकी तुम सरफराज को फोन में नहीं किया। किया फोन सरफराज को? क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे बिरेन में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि मुसलमान धोखा देता है। सरफराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू। हाँ हो क्या रहा है भाई, ये कुत्ता बिल्ली मतलब आप कोई भी कहानी गढ़ते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें। एक मिनट, एक मिनट, सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते। जग्गू फोन निकालो, सरफराज को फोन लगाओ। कम ऑन जग्गू। दिस नंबर इज नीट इन गेब्रुक, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और कोई नंबर, फ्रेंड, कॉलेज, समथिंग? कम ऑन जग्गू। बेल्जियम यूनिवर्सिटी। डायल। हेलो हेलो,
I actually need to get in touch with one of your grad students, Sarfaraz Yusuf. Oh yeah, he left for Pakistan last year. Contact. Has he left a number? I'm sorry, we're not authorized to give out information. Ma'am, this is really important. Email us your request and I can forward it to Student Affairs. Have a nice day, dear. Pakistan ka number, ghar ka number. Think, Jagu, darling, think. और इधर ही पार्ट टाइम जॉब करता पाकिस्तान एम्बेसी में. पाकिस्तान एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब करता था. मीतू, कॉल द पाकिस्तान एम्बेसी बेल्जियम. कॉपी सर. और यहाँ के स्पीकर्स में डालो. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी. हेलो, आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ. आपका नाम जग्गू है? हेलो, आपका नाम जग्गू है? हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया. परा, जग्गू का फोन आ गया. सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया. इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें, जल्दी जल्दी आइए. मोहतरमा, सरफराज यूसुफ रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बे इंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया. हम उन्हें ना कह देते हैं और वो फोन रख देते हैं. पागल कर दिया है. आप ठहरें, हम आपकी बात कराते हैं. हेलो जनाब सरफराज यूसुफ. जी सलाम अलैकुम. आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं लाहौर से. क्यों इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अपने घर पे हूँ. क्यों? आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो प्लीज बैठ जाएं, आपको झटका लगने वाला है, गिर जाएंगे. माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं. आपके लिए दिल्ली से फोन है. लीजिए, बात कीजिए. हेलो हेलो सरफराज. जग्गू. हेलो हेलो जग्गू, सब खैरियत तो है? हेलो, तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? आया था ना, लेकिन तुम वहां से जा चुके थे. फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था, उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना. मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली का बहुत प्रेशर है तुम पे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जग्गू कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगी. बहुत वक्त लगा दिया यार जग्गू फोन करने में. करती, तुम्हारा रॉन्ग नंबर था मेरे पास. अभी अभी एक दोस्त से राइट नंबर मिला. जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? अब गए सामने इसे छू लूं जरा. अस्सलाम वालेकुम.
हाँ भाई जोकर क्या कर रहे हो, बच्चों को डरा रहे हो, हंसा रहे हो, क्या कर रहे हो? बच्चों को हंसा रहे हैं भाई, बच्चों को हंसा रहे हो हैं, जोकर बन के हैं? जी जी, कुछ छीना छपकी थोड़ी कर रहे हैं, कुछ चोरी डकैती थोड़ी कर रहे हैं। हाँ बच्चों को हंसा रहे हो हैं, हंसाने का काम कर रहे हो कराची में हैं? इसके अलावा क्या करते हो?